हकीम साहब, अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी कोई तकलीफ होती है, यानी कि मैं दर्द की यहाँ पे बात करूंगी, तो दर्द जो एक शुरुआत होती है उसका कारण क्या हम किसी भी नर्व का दबना समय? देखिए, मेरा भी जो अनुभव है जी वो यही है। सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है दर्द के रोग पर, बिल्कुल, और मैंने पाया अपने अनुभव में कि सबसे ज़्यादा जो रोग होते हैं जी वो रगे दबने से होते हैं, रगे कमज़ोर होने से होते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ में दर्द आता है जी जी, किसी की उंगली में, किसी की कोहनी में, तो उसमें ज़्यादातर वजह होती है नसें दबना। नसें यहाँ दबती, हाथ की नसें यहाँ दबती हैं जी, और पैरों में जो दर्द आता है तो पैरों की नसें हमारे कमर के नीचे के डिस्क जो है, हिप से ऊपर जो डिस्क है यहाँ पर दबती हैं। और मैंने पाया कि 90-95% जो तकलीफ़ें होती, चाहे किसी घुटने में दर्द हो, चाहे पिंडलियों में खिंचाव हो, चाहे जलन हो, यहाँ तक कि घुटने में, थाइज में, पैरों में दर्द साइटिका की वजह से होता है। और साइटिका कहते हैं साइटिक नर्व के दब जाने को, और जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कमर के डिस्क में दबती है उससे हमारे ये पेन शुरू होता है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।